जवान के ज्ञान से सुझे लो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा हेतु खिजवाणी खरती तो जपो देरे जो तेरा शरण लगे सो पावी सुचे देव भजो अरिहंत को गुरु से हो निर्भय दया धर्म पालो सदा रही मोक्ष का पालो। नमस्कार महामंत्र। सावधान ध्यान मटे भूमिका त्राणा ब्रह्मनाथ अंडी के गंभीर दृष्टियों के लिए असंभव ऐसे मोक्ष तत्व की जिन्होंने संप्राप्ति की है ऐसे असंभव को संभव करने वाले श्री संभवनाथ भगवान को मैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की संप्राप्ति और विशुद्धि के अर्थ
भाव पूर्वक नमस्कार करता है। जिनके दर्शन, जिनका चिंतन, जिनका स्मरण जगत को आनंद देने वाला है, ऐसे चतुर्थ तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ को मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, अनंत चतुष्टय की संप्राप्ति के अर्थ भावपूर्वक नमस्कार करता हूं। जो सुमति के देने वाले हैं, जिनके स्मरण से, चिंतन से भव्य जीवों की कुमति का सर्वनाश होकर सम्यक मति होती है, ऐसे पंचम तीर्थंकर श्रीमद् सुमतिनाथ भगवान को मैं क्षलोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और कर्ण लब्धि की संप्राप्ति के अर्थ भाव पूर्वक नमस्कार करता हूं। जिस प्रकार जल में कमल, कीचड़ में कमल निर्लेप रहता है, उसी प्रकार से निर्लेप रहने वाले श्रीमद् पद्म प्रभु भगवान को मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन षड रिपुओं के विदारण के लिए भावपूर्वक नमस्कार करता हूं। जिनका पार्श अति सुंदर है, ऐसे सुपार्श्वनाथ प्रभु को मैं इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, परक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय और अकस्मात भय, इन सप्त भयों के निवारणार्थ हे प्रभु मैं आपको भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। मुझे सप्त भयों से मुक्त करे। शीतल शीतल चंद्र की चांदनी के जैसी जिनकी आभा है, ऐसे चंद्रप्रभ स्वामी को मैं ज्ञान मत, पूजा मत, कुल मत, जाति मत, बल मत, रिद्धि मत, तप मत और शरीर मत, इन आठ प्रकार के मदों से रहित होने के लिए चंद्रप्रभ स्वामी को मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ।
हे भगवान, मुझे इन आठ मदों से रहित कीजिए। पुष्प की पंखुड़ियों के समान अति सुंदर प्रकाशित श्वेत जिनकी दंत पंक्तियां हैं, ऐसे पुष्प दंत स्वामी को मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और अनंत वीर्य, इन नौ केवल लब्धियों की संप्राप्ति के अर्थ मैं नव तीर्थंकर श्रीमद पुष्पदत्त स्वामी को भावपूर्वक त्रियोगपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जिनका स्मरण, जिनकी प्रतिमा का दर्शन, जिनका चिंतन और जिनका ध्यान भव्य जीवों को अति शीतलता प्रदान करता है, ऐसे शीतलनाथ स्वामी को मैं अपने आत्मा को शीतल करने के लिए उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जन, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, इन दस गुणों की संप्राप्ति के अर्थ मैं शीतलनाथ भगवान को भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, इन दस धर्मों को मेरे आत्मा में प्रकाशित करके मुझे शांत कीजिए, शीतल कीजिए। जो स्वयं परम श्रेय को उपलब्ध हो चुके हैं, ऐसे श्रेयांश नाथ प्रभु आपको मैं क्रमशः आत्मा को कोमल, अहिंसक और ऊर्ध्वगामी बनाने के हेतु से श्रावक जीवन के योग्य दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषक प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन
अथवा दीवा मेथुन त्याग प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा इन सात प्रतिमाओं में गर्भित जो आत्मभाव है उस आत्मभाव को प्राप्त करने के अर्थ अपने श्रावक जीवन को श्रेयस करने के अर्थ मैं श्रेयांसनाथ प्रभु को भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। सौ सौ इंद्रों से जिनकी वंदना होती है तीनों लोकों के स्वामी जिनको वंदन करते हैं ऐसे वासव अर्थात इंद्रों से पूजित वासुपुंज भगवान को मैं अपने श्रावक जीवन के योग्य द्वादश व्रतों के भावों के सब प्राप्ति के अर्थ भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे भगवान मैं यथाशक्ति अहिंसा का पालन करूं सदा सत्य बोलूं पर वस्तु का हरण नहीं करूं काम कषाय को नियंत्रित रखूं मर्यादित रखूं सादगी पूर्ण जीवन जीए संसार में विविध दिशाओं में परिभ्रमण की वासना से विरक्त हूँ करने योग्य जो नहीं है एकांत से स्वयं को भी जो बंधन में डालते हैं अन्यों के लिए भी जो अनिष्टकारी हैं ऐसे मिथ्यापदेश हिंसादान दुश्रुति इत्यादि अनर्थ क्रियाओं को मैं सर्वथा त्यागूं भाव पूर्वक यथाशक्ति सामायिक का आराधन करूं भाव पूर्वक प्रोषद का सेवन करूं अपनी आवश्यकताओं को अत्यंत सीमित करो पर के उपकार के लिए अपना तन मन और धन लगाओ मेरा जीवन निस्वार्थ परोपकारी सदा सुख
पुष्टि वाला हो। अपने पुण्योदय से मुझे जो जो मिला है उसको भी मैं बिना भोग किए अथवा कम भोग करके सदा सर्वदा स्वरूप में ही संतुष्ट रहूं। ऐसा हे वासुपुज्य देव मुझे बल दो, बुद्धि दो, शक्ति दो। इस प्रकार से मैंने आप तीर्थंकर देवों को नमस्कार करके निस्वार्थ भाव से अपने आत्म कल्याण के हेतु से त्रिलोक वंदना की है। आपके वंदना से, स्मरण से मेरे उपयोग में काम क्रोध लोभ मोह मद आदि से युक्त संसार के अन्य संकल्प विकल्पों से युक्त जो मलिनता है उस मलिनता का नाश हो और आपके नाम स्मरण से वंदन क्रिया से मेरा उपयोग शांत हो निर्मल हो। आपके पद में मेरा उपयोग स्थिर हो। ऐसा चिंतन करके परमात्मा के अनंत चतुष्टय में अपने उपयोग को जोड़ने का प्रयत्न करना।
Abraham, Biri Undi Shams Omkar. Thanks.